ये है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 अंश, कोण ए 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो पहले हम बीसी खींचेंगे, फिर इसके बाद कोण दिए हैं, कोण हमको पता है कोण भी 45 अंश, कोण ए 105 अंश, कोण भी 45 अंश खींच देंगे, चाहे आप गोला प्रकार में से रचना करिए या सीधे चांदा से आप बना दीजिए, ठीक 45 अंश हो गया। अब कोण ए 105 अंश है, अब ए की कोई पॉइंट आपको मालूम नहीं है, ये कहाँ से जाएगा, यहाँ भी हो सकता है, 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 आप कन्फर्म तो है नहीं, तो मामला फंस गया है ना। अब इसको कैसे किया जाए, इसके लिए आपको सवाल लगाना पड़ेगा, यानी अगर कोण सी हमको पता हो जाए तो हम सीधे कोण खींच देंगे और जहाँ काटेगा वही ठीक हो जाएगा। तो कोण सी प्राप्त करने के लिए आपको पता है कि त्रिभुज की बात हो रही है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोण की कितना होता है, तो फिर उसमें समकोण सी निकाल लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए का मान 105, कोण बी का मान 45, कोण सी हमको ज्ञात करना है, दोनों जोड़ेंगे तो 150 अंश हो जाएगा, कोण सी 180 अंश तो कोण सी बराबर 180 से 150 माइनस हो जाएगा तो 30 अंश आ जाएगा कोण सी का मान, है ना। अब कोण सी का जब 30 अंश आ गया तो चांदा की मदद से आप 30 अंश खींच ले जाइए, एक ही प्रॉब्लम है, और जहाँ ये जहाँ आप इसको काटे वही ए हो जाएगा, इसको नापोगे चांदा लेकर के तो 105 अंश हो जाएगा। जब त्रिभुज की रचना कर दी है तो कह रहा 4/3 भाग कीजिए जिसकी भुजाएं 4/3 गुनी हो, तो 4/3 है तो इसका मतलब आपको अभी से एक जो है न्यून कोण बनाना है और टोटल कितने भाग करना है, कितने भाग करना है चार, मतलब ये जो दिए है इसके मदद से आप ये सोचिए कि ये जो त्रिभुज होगा जो जिसकी हम रचना करेंगे दिए हुए त्रिभुज से बड़ा होगा कि छोटा होगा, बोलिए भाई, जब अंश ज्यादा हो हर कम हो तो सीधी बात ये बड़े की बात कर रहा है, बड़ा है दिए हुए त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज होगा, तो उस कंडीशन में आपको फिर ये वाले खंड लेना है, चार कर लोगे लेकिन 30 तुमको मतलब मिलाना है, ध्यान देना है। तो इसके खंड करेंगे 1, 2, 3, 4, 3 वाले से मिलाइए 4 वाले से नहीं मिलाएंगे, ध्यान देना ऐसे मिला देंगे। तो ये कोण को नापेंगे जिसके लिए आप ऐसे चाप मारेंगे, यहाँ से रखेंगे, यहाँ से चाप मारेंगे, इसको नापेंगे, ऐसे काटेंगे, इसको नापेंगे, ऐसे काटेंगे, एक पटरी रख के ऐसे जो है सीधे मिला ले जाएंगे, है ना, और फिर जब ले जाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर लाइन से यहाँ पहुँच जाएगा, ये सी है तो सी डैश बोल दीजिए, ये यदि सर बताया है चांदा रख करके या इसे आप चाप मार दें, चांदा रख के तीस अंश बना दीजिए, ऐसे चाप मार के यहाँ रख के ऐसे चाप मारेंगे, इसको नापेंगे ऐसे चाप मार दीजिए, इसको यहाँ चाप मार दीजिए, फिर इसको सीधे मार ले जाइए,
तो उस कंडीशन में ये जो है काट देगा, है ना, जहाँ काटेगा वो जाएगा ये ए डैश बी सी डैश, यही है ए बी सी का चार का तीन का। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? इस तरह का जो है हमने बताया था कल कि जैसे मान लो अगर बड़ा दिए है तो किस किस प्रकार हम रचना करेंगे, तो भुजाओं को बढ़ाना पड़ता है, अगर छोटा होता तो वे अंदर ही बनता थे। जैसे सपोज दैट ये लिखा होता तीन बटा चार, तो उस कंडीशन में आप चौथे वाले को मिला देते हैं फिर तीसरे से बनाते तो फिर ये छोटा बन जाता है, इसकी अपेक्षा छोटा रहता है, उतना बनता क्यों है ना।